इधर से हमारा तो गया। आ जा सामने देखो तुम लोग ना, थोड़ा कैसा भी कोशिश करो कि सभी को दिखाई दे, बाद में फिर मौका नहीं मिलेगा। इसमें बहुत ज़्यादा कुछ है नहीं, थोड़ा सा बता, सुनते जाओ, कोई आवाज़ मत करो, ठीक है? हम सेकंड पर भी बोल देंगे, दो मिनट का तो बोलने का है। रिकॉर्डिंग देखो, ये जो है ये APM बोलते हैं, इसको ऑटोमेटिक प्रेशर मॉडिफिकेटर है। इसमें लोड एम्प्टी हैंडल रहता नहीं है। देखो DV है, देखा DV भी है, सब कुछ सेम है, सब तीन पाइप रहेगा, सब कुछ ठीक है। इसका पिस्टन ब्रेक सिलेंडर नीचे देखो, एक्सल का पैरेलल में देखो, नीचे में दिखाई दे, नीचे में दिखाई दे, वो जो नीचे में है एक्सल का नीचे में, जो तो रबर टाइप में है, उसका अंदर में पिस्टन है, ठीक है। अभी ये क्या होता है, देखो ये एडजस्टिंग नट बोलते हैं इसको, ठीक है। इसके बगल में सामने में देखो छोटा ऑक्सिलरी रिजर्वायर, ये एक एक्स्ट्रा है, 6 लीटर कैपेसिटी का है, सुनते जाओ, एकदम वेरी इंपॉर्टेंट है। अभी मान लो इसमें नॉर्मली क्या होता है, जब भी प्रेशर ड्रॉप होने से ब्रेक लगेगा, तो प्रेशर जैसे ही ड्रॉप हुआ, डीवी का ना, डीवी क्या करता है, ऑक्सिलरी रिजर्वायर का प्रेशर को डायरेक्ट ब्रेक सिलेंडर में भेजेगा, लेकिन इसमें ऐसा नहीं है, डायरेक्ट ब्रेक सिलेंडर नहीं भेजेगा, APM का थ्रू से, फिर यहाँ से एक पाइप निकलेगा, वो जाकर ब्रेक सिलेंडर में नीचे में जाता है, ठीक है। तो इसमें आने के बाद में ना ये सेंस करेगा, कैसा सेंस करके फटाक से क्या करेगा, ये एडजस्टिंग नट जो है ये वाला, इसको यहाँ सटेगा, अगर ब्रेक लगेगा तो, जब भी ब्रेक लगेगा तो इसको नीचे सटेगा, ठीक है। अभी मान लो जैसा BP प्रेशर ड्रॉप किया, ये तो सटेगा, ये जितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा उसके अनुसार ये सोचे समझ लेगा कि वैगन MT में है ना लोड में है। अभी मान लो MT में होगा तो ऑटोमेटिक पहले से ही ज़्यादा गैप रहेगा, तो ज़्यादा ट्रेवल करेगा, तो जैसा ज़्यादा ट्रेवल करके जब ये सटा, वो समझ जाएगा अच्छा अच्छा ये MT में है, तो पूरा प्रेशर ब्रेक सिलेंडर में नहीं भेजेगा, ये छोटा वाला में थोड़ा रख लेगा, इसमें रख लेगा, ठीक है। 2.2 खाली भेजता है, नहीं भेजेगा, पूरा रखेगा, इसमें रखेगा थोड़ा और उसमें बाकी भेजेगा। अगर यही अगर ब्रेक्स माने लोडेड रहेगा तो कम में ही सट जाएगा। 80 mm देखो, 80 mm का अंदर अगर ये सट जाता है तो सोचना कि ये